हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं गाइस कि अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्री फ्री। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ले लेंगे चिकन। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, आपको भी बोनलेस चिकन लेना है। उनको ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए, ऐसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लिया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन 65 मसाला। गाइस, इसमें सभी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स सभी मिक्स होते हैं, सिर्फ आप इसको डालकर चिकन 65 बना सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है सब, तो आप इसको ऐड करके चिकन 65 बना सकते हैं। तो इसको ओपन करके इसमें ऐड कर देते हैं। सभी मसाले को ऐसे ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने घर पर बनाया है गाइस, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। आप रेडीमेड भी ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छे से क्लीन करके ऐड कर देंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। मैं यहाँ पर तीखा पसंद करती हूँ गाइस, तो इसलिए 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो गाइस, इसे बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी चिकन 65 बनते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। एक एग, इसको भी ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। गाइस, इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है चिकन 65 और बहुत ही यम्मी, इतना टेस्टी कि आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए। तो इसको मैरिनेट करके अच्छे से 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से चिकन सभी मैरिनेट हो चुका है। अब इसको कलर अच्छा दिखे, कलर भी बहुत सुंदर दिखे चिकन 65, तो इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड कलर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर अच्छा देखना चाहते हैं कि बहुत सुंदर दिखे तो 1/2 टेबल स्पून इसमें कलर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करके ये देखिए गाइस, सभी कलर मिक्स हो चुका है। देखने में लग रहा है ना एकदम होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा। तो सभी कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है गाइस। इस जो चिंग का चिकन 65 मसाला है ना, इसमें यहाँ पर लिखा है कि करी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे करी पत्ते का जब बिल्कुल भी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो मैंने स्किप कर दिया। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो अब आप चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट मैरिनेट होने के लिए रख सकती हैं, नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो आपको बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगा, नहीं तो आप 10 मिनट के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। अब तो ले लेना है ऑयल। ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर गाइस पहले से ही ऑयल लिया है और उसको गरम कर लिया है। तो इसमें सभी एक एक चिकन ऐसे फ्राई करने के लिए छोड़ दे देंगे। गैस को पहले हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे, देन उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पे चिकन को सभी फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, मैंने आधे से ज़्यादा चिकन इसमें ऐड कर दिया है। इसको आप मीडियम लो फ्लेम पर ऐसे फ्राई कर लेंगे। गाइस, बहुत ही इजी है इसे बनाना, बच्चे भी इसे बना सकते हैं। और सिर्फ ये देखिए, चिकन 65 मसाला सिर्फ 10 रुपीस का आता है, और इसे होटल जैसा स्वाद और होटल जैसे रेस्टोरेंट जैसे आप घर पर ही बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो इनको अच्छे से चलाते हुए ऐसे फ्राई कर लेंगे पलटते हुए। गैस को मीडियम ही लो फ्लेम पर रखना है, हाई कर देंगे तो जल जाएंगे, फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी हो जाए।
तो ये देखिए गाइस कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उनको मैंने सिर्फ 5 मिनट फ्राई किया है। तो अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम लग रहे हैं ना एकदम रेस्टोरेंट जैसे एकदम कलरफुल। इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही बचे हुए जो चिकन है उनको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब गैस को कर देते हैं बंद, इन सभी चिकन को निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस सभी चिकन मैंने फ्राई कर लिए हैं, कितने यम्मी दिख रहे हैं ना। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, 10 रुपये में घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट पा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सब, ये देखिए गाइस कितने यम्मी दिख रहे हैं ना, शेजवान चटनी के साथ में बस एंजॉय कीजिए। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरीके से बहुत ही आसान है इस चिकन 65 बनाना। अब मार्केट और होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो गाइस। तो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।